आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप ज़्यादातर रेस्टोरेंट में जाकर खाना पसंद करती हैं, क्योंकि उसे बनाने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पता नहीं ये कैसे बनकर तैयार होती है। पर आप यकीन मानिए, आपको ये बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बनाना तो बहुत ज़्यादा ही सरल है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे आप इसके एक एक स्टेप को देख पाएंगे और आप भी वही स्वाद अपने घर पर लेके आ पाएंगे। हेलो दोस्तों, कुकिंग विद स्वर्णलता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में नरगिस कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतनी अच्छी रेसिपी है जिसे आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं और आप इसे घर पे बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। सबसे पहले हम नरगिस कोफ्ते के लिए कोफ्ते तैयार करेंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर चार ब्रेड लिए हैं। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब मुझे इसका वाइट पार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ इसे नाइफ की सहायता से चारों तरफ के कोने को काट दूंगी। कुछ इस तरीके से मैंने देखिए काट के तैयार कर लिया है। अब जो इसका चारों तरफ का हिस्सा है, इसे मैं फेंकूंगी नहीं, इसका यूज मैं रेसिपी में करूंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पता लग सके कि मैंने इस रेसिपी में कहाँ पर इस ब्राउन पार्ट का यूज किया है। अब कोफ्ते का डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया है, जिससे कि इसका डो अच्छे से लग कर तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने ब्रेड को रख दिया है। अब दो बड़े चम्मच इसमें मैं दूध डाल रही हूँ, और दूध डालने के बाद इसे देख सकते हैं मैं किस तरह से मैश कर रही हूँ। इसी तरीके से आप अच्छे से मैश कर लें, पर याद रखें कि ये बहुत ज़्यादा गीला ना हो। अब इसमें मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पानी से भी इसे मैश कर सकती हैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ पर एक बॉयल आलू ले रही हूँ और इसे ग्रेटर से ग्रेट कर दूँगी। देखिए मैंने आलू अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब इसमें कुछ हम ड्राई मसाले डाल लेते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और लास्ट में मैंने इस पर फ्रेश धनिया डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से डो की फॉर्म में ला सके, इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। यदि आप चाहें तो इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर की जगह पर। इस तरीके से आप इसका डो तैयार करें। इसी डो को तैयार करने में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा गीला ना हो, नहीं तो इसके कोफ्ते नहीं बनेंगे। अब देखिए मुझे थोड़ा सा इसमें और कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर और डाल दिया है, जिससे कि डो अच्छे से टाइट लग के तैयार हो। देखिए हमारा कोफ्ते के लिए डो पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए इसके अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें मैंने पनीर के दो क्यूब्स लिए हैं। हम यहाँ पे पनीर की अच्छे से स्टफिंग तैयार करेंगे, जो कि कोफ्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए यहाँ पे दो पनीर के क्यूब्स लिए हैं। अब इसमें मैंने 8 से 10 किशमिश डाल दी हैं, कटे हुए काजू और कटे हुए अंगूर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो अंगूर डालें या इसके बगैर भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया और एक पिंच इसमें कलर डाल दूंगी। आप कलर डालना ना चाहते हो तो इसमें आप हल्दी भी डाल सकती हैं, क्योंकि हम स्टफिंग को थोड़ा सा कलरफुल बना रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। जब इसके हम कोफ्ते कट करेंगे ना, तो जिसके अंदर जो इसमें कलरफुल स्टफिंग दिखेगी वो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो आप इस तरीके से इसमें हल्दी डालकर भी इसकी स्टफिंग तैयार कर सकती हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी स्टफिंग पूरी तरीके से तैयार है, इधर डो भी तैयार हो गया है। तो चलिए इसके कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले आप हाथ पर ऑयल लगा लें, जिससे कि डो हाथों में चिपकेगा नहीं। देखिए मैंने इस तरीके से हाथों पर ऑयल लगा लिया। अब यहाँ पे आप चाहे तो नींबू या अमरूद, कोई भी आकार का आप इसे डो ले सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आप इसे फ्लैट करते हुए चौड़ा कर लें, और इसमें हम स्टफिंग को इस तरीके से भर देंगे। और स्टफिंग भरने के बाद इसे आप चाहते हो फोल्ड कर दें और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसका राउंड शेप दे दें। देखिए हमारे कोफ्ते इस तरीके से तैयार होंगे सारे। देखिए मैंने यहाँ पे एक कोफ्ता तैयार कर लिया है, इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते तैयार करूँगी। आपसे निवेदन है कि आप पूरी वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पता लग सके कि मैंने यहाँ पर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आप जब भी इन कोफ्तों को बनाएंगे या इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आएगा। मैंने यहाँ पर सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको मैं कॉर्नफ्लोर से डस्ट करूँगी, जिससे कि कोफ्ते जब हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और तेल में फटेंगे नहीं। तो हमने यहाँ पर अच्छे से इनको डस्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप। मैंने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं यहाँ पर। अब इन्हें हम एक तरफ रख देंगे
और अब इसके लिए हम ऑयल गरम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गरम चाहिए, यदि तेज़ गरम नहीं हुआ तो कोफ्ते डालते से इसमें फट जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि हमें ऑयल तेज़ गरम चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर ऑयल अच्छे से गरम कर लिया है, तो मैं एक एक करके इसमें कोफ्ते को फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से मैं सारे कोफ्ते फ्राई करूँगी और इस तरीके से आपको भी कोफ्ते फ्राई करना है, जिससे कि कोफ्ते अंदर से कच्चे भी ना रहें और ऊपर से भी अच्छे सेक जाएं। तो इन्हें सेकने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे और आप इन्हें फुल आंच पर ही सेकें। देखिए अच्छा सा कलर आ गया है, अब हम कोफ्ते को निकाल लेते हैं और इसी तरीके से मैं और भी कोफ्ते सेक लूँगी। देखिए सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं और इसकी अंदर जो हमने फिलिंग भरी थी वो भी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो आप इस तरीके से कोफ्ते ज़रूर बनाकर तैयार करें। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं बढ़िया सी। अब यहाँ पर मैंने ग्रेवी बनाने के लिए 2 कटी हुई प्याज, कसा हुआ अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च और 7 से 8 मैंने यहाँ लहसुन ली है। इन सबको हम मिक्सी जार में डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें जो बची हुई ब्रेड थी, जो ब्राउन पार्ट था ना ब्रेड का, वो भी इसी में डाल देंगे। मैंने कहा था ना आपसे कि रेसिपी में इसका इस्तेमाल करूँगी, तो मैं यहाँ पर इस रेसिपी में इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी बनकर तैयार होगी ना वो बहुत अच्छे से तैयार होगी। रेस्टोरेंट में भी कुछ इस तरीके से ही ग्रेवी को तैयार किया जाता है, जिससे वहाँ की ग्रेवी देखा है ना आपने कि तो परफेक्ट बनती है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, उसी तरीके से हमारी ग्रेवी तैयार होगी। ये कुछ सीक्रेट होते हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप भी रेस्टोरेंट जैसा स्वाद पा सकें घर पे। तो चलिए हमने ग्रेवी को अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं। आप हो सके तो ग्रेवी के लिए हमेशा लाल टमाटर लें, जिससे कि ग्रेवी का स्वाद भी नहीं बिगड़ता और उसका कलर भी अच्छा बना रहता है। तो यहाँ पर मैं टमाटर को भी अलग से पीस के तैयार कर लेती हूँ। देखिए हमारी टमाटर की ग्रेवी भी तैयार है। इस तरीके से हमने दोनों ग्रेवी को तैयार करके रख लिया है। तो फिर देर किस बात की, चलिए फिर सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 तेज़पत्ता, 5 से 6 काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े, खड़ी लाल मिर्च, 2 हरी इलायची जिसे मैंने फोड़ लिया है, 2 से 3 लौंग और 1 चम्मच जीरा, इन सबको मैं तेल में डाल देती हूँ। आप इसे कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लें, जिससे कि इसका अरोमा पूरे ऑयल में आ जाएगा। देखिए हमने इसे भून लिया है, तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल देती हूँ। कसूरी मेथी आप इस समय ही डालें, जिससे कि कसूरी मेथी ऑयल में अच्छे से भुन जाती है तो और उसका स्वाद और भी दुगना हो जाता है। अब एक मैंने प्याज को बारीक काट के रख लिया था, इसे भी डाल देती है और कुछ सेकंड के लिए इसे भी भून लेती है। देखिए हमारे यहाँ पर प्याज भी अच्छे से भुन कर तैयार हो गई है, तो मैं इसमें कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल देती हूँ। यहाँ मैं हरा धनिया इसलिए डाल रही हूँ, जिससे कि ये ग्रेवी और भी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हो। आप भी इसे इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए हमने ये सारी चीज़ें भून ली हैं, तो मैं यहाँ पर प्याज की पिसी हुई ग्रेवी को डाल देती हूँ और कुछ मिनट के लिए इसे भून लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, तो इसमें हम कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला आप ज़रूर डालें, जिससे कि चटपटा सा फ्लेवर आता है चाट मसाले का। अब इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, तो इस रेसिपी में आप इस तरीके से कुछ मसाले अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सबको हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे और इसमें हम टमाटर की जो प्यूरी है उसे भी डाल देते हैं। अब इन सबको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि टमाटर और मसाले अच्छे से भून के तैयार हो जाएंगे। अब कुछ और मसाले रहेगा इन्हें भी डाल लेती है। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हैं। अभी मुझे ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप गुनगुना पानी डाल दिया है। आप यहाँ पे गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि ग्रेवी का स्वाद भी बना रहता है और उसका कलर भी। तो इस तरह से अब मैंने गुनगुना पानी डाल दिया और इसे थोड़ा सा फिर से चला लिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच यहाँ काजू का पाउडर डाल दिया है। यह काजू का पाउडर डाला पूरी तरीके से ऑप्शनल है, यदि आपके पास खोआ है तो आप थोड़ा सा इसमें 3 से 4 चम्मच खोए का डाल दें कस के, तो उससे हमारी ग्रेवी और भी ज़्यादा रिच हो जाती है। पर यदि मेरे पास खोआ नहीं था तो मैंने यहाँ पर काजू पाउडर डाल दिया, जिससे कि हमारी ग्रेवी और भी ज़्यादा रिच बनेगी। अब इन सबको डालने के बाद इसे मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे।
अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो याद आ कब फिर से मैं गुनगुना पानी डाल देती हूँ। इस तरीके से आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। कभी भी ग्रेवी हमारी ख़राब नहीं बनती इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आँच पर पकने रख दूँगी, जिससे कि सारे मसाले पानी अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा। चलिए फिर 2 से 3 मिनट हो भी गए हैं तो हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, इसका कितना अच्छा कलर आया है। ऐसा ही कलर होता है ना रेस्टोरेंट में, और वही कलर वही टेक्सचर हमको घर पर मिल रहा है, तो फिर क्या कहने। अब इसमें थोड़ा सा मैं ग्रेट करके पनीर डाल देती हूँ, जिससे कि ये रेस्टोरेंट जैसी लगेगी। अब लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल देती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी से बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ना ये कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है ग्रेवी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। कोफ्ते के ऊपर डालने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ प्लेट में सारे कोफ्ते रख लिए हैं। अब इस पर हम गरम गरम ग्रेवी को डाल देते हैं। अब इस पर मैं थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर डाल देती हूँ, जिससे देखने में भी सुंदर लगेंगे। देखिए हमारे नरगिस कोफ्ते बनकर पूरी तरीके से तैयार है। इसे आप चपाती राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखकर आपको रेस्टोरेंट की याद आ गई होगी ना, पर आपको रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। फिर मिलती हूँ आपके साथ में नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।